यहाँ पे भी ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम है। और काफी कीचड़ वाला रास्ता है, पत्थर। ओह, रास्ता काफी डेंजरस भरा है। ऐसे होते भस्मासुर की वजह से छिपने के लिए शंकर जी को भी यही जगह मिला था। आराम से, और यहाँ पे ना ऑक्सीजन बहुत ही कम है तो सांस फूल रहा है। भोलेनाथ प्रवेश द्वार ज्यादा और यहीं से कैब अपना स्टार्ट होता है गुफा। ये देखो लाइट अंदर, और अभी चलते हैं इस गुफा के अंदर दर्शन करने। और अभी यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर ऑक्सीजन का भी दिक्कत है, पता नहीं ऑक्सीजन मतलब चालू नहीं सारा कुछ बंद है भी, और ऐसा कुछ कैब आगे काफी अंधेरा भी है। और अभी हम बिल्कुल अंदर में आ चुके हैं गुफा के अंदर में, और सांस लेने में अभी तक तो सही है फिलहाल के लिए, अब तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और काफ़ी अंधेरा है, चलिए कोई नहीं, थोड़ी बहुत जो भी आपको फेस दिख रहा है आप लोग एडजस्ट करना। हर हर महादेव, जय श्री शंभो। ऐसे छोटे छोटे ऐसे शिवलिंग पड़े हुए हैं। और अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुके हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं। ये आप देख सकते हैं गुफा के अंदर में, और इसके अंदर ना पानी ऊपर से बूंद बूंद करके नीचे की ओर आता है, और शिवलिंग के ऊपर तो हमेशा मतलब हमेशा पानी इसमें सूखता नहीं है। वो भी कहा जाता है कि शंकर भगवान के जटा से पानी आती है। हाँ, शंकर भगवान के जटा से पानी यहाँ पे आता है, मतलब आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, बूंद बूंद। और हर जगह पे जहाँ पे पानी गिरता है वहाँ पे शिवलिंग जैसा यहाँ पे है छोटे छोटे, मैं भी दिखाऊंगा। हर हर शंभो। तो यहाँ का कुछ पुराना हिस्ट्री भी है गुप्ता धाम का, गुप्तेश्वर धाम, एंड हम जानना चाहेंगे तो आप बताइए मतलब क्या है यहाँ का पुराना हिस्ट्री। यही है कि महादेव कुछ शंकर भगवान इस गुफा में आके छुपे हुए थे, भस्मासुर को जब भस्मासुर को उन्होंने आशीर्वाद दिया था किसी के सर को ऊपर हाथ रख के भस्म करने का, उसी टाइम जब शंकर जी को उसने पीछा किया तब शंकर जी यहीं आके छिपे हुए थे। अच्छा, इसी जगह? इसी जगह बिहार में रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी पे। तो भस्मासुर की वजह से और डर से, और इधर वाले साइड में भी देखो अब, इधर भी एक साइड गुफा इधर जाता है और एक इधर भी सासाराम वाले सासाराम वाले साइड में है। सासाराम सीधा पटना रानी जाती थी, सीधा पटना हाई कोर्ट में सच बोल रहे हैं। काफी ज्यादा डेंजर है। रास्ता काफी डेंजरस भरा है, ऐसे होते भस्मासुर की वजह से छिपने के लिए शंकर जी को भी यही जगह मिला था। यार इतने रास्ते उन्होंने बनाए थे तिरसुल माता, बहुत सारे गुफा निकले हुए हैं, मतलब ऐसे ऐसे भी वरदान किसी और जगह निकल जाए। भोलेनाथ जी दे देते हैं कि मतलब खुद पे संकट आ जाता है। कहा जाता है यहाँ के कंकन में संकट। Thank you.
आराम से। अच्छा तो यहीं पे हैं, यहीं पे हैं। माचिस पे कहाँ जला? हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे, और दर्शन करके आते हैं। ठीक है तो चलिए अभी आप सभी को भी दर्शन कराते हैं, हम भी कर लेते हैं। और यहाँ पे ना ऑक्सीजन बहुत ही कम है तो सांस फूल रहा है, सो अभी बोलेंगे हम नहीं आपको दिखाएंगे। और काफी कीचड़ वाला रास्ता है, पत्थर। ओह जय बोले की अब तक यहाँ तक सही है, बस दर्शन करते हैं यहाँ पे और दर्शन करके यहाँ से निकलते हैं फटाफट। हम लोग यहाँ पे सपोर्टर, तो चलिए अभी आपको दर्शन करवाते हैं यहाँ पे पहला। आप सब यहाँ पे भी ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है, दिक्कत हो रहा है। ठीक है तो अभी फटाफट दर्शन करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। हर हर शंभु, हर हर शंभु, हर हर शंभु, जय श्री शंभु, जय हर महादेव, बोलो जय श्री महादेव। ऑक्सीजन का बहुत दिक्कत हो गया, थोड़ा इधर आके कैमरा थोड़ा पकड़िएगा मेरा। दर्शन हो गया, आप लोग भी अच्छे से करना एंड चलते हैं। अभी देखो पसीना कितना ज़्यादा निकल रहा है यहाँ से, उतरने के टाइम में बस ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी रास्ता ही ऐसे। तो अब तक तो बिल्कुल दर्शन करके आ चुके हैं, अभी तक सही है और ऑक्सीजन का लेवल हालांकि सही है। और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे शिवलिंग, ऊपर से पानी आ रहा है ना। ओह एक गजब का सीन है ये, देखो यार लेने वाली चीज है, यही बोला था कृष्ण जी की जटा से पानी गिरती है, ये जटा जैसा है ना, यहाँ का यही प्रमुख चीज है। हाँ इसको लेना अनिवार्य है, जिसके मुख में आया मांगो। आगे भी है गिर रहा है यहाँ, देखना अच्छा मुंह में। हम लोग भी ट्राई करते हैं लेना यार, तुम ले यार जो लग। ओ चलिए फाइनली मिल गया, और इधर भी है। बिहार में ऐसा जगह जो कि काफ़ी मज़ा आया इस ट्रिप पे और दर्शन करके,
तो आप सब भी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इतना मेहनत से दर्शन कराए हो काफ़ी देर तक। तो ठीक है जी, और अभी चलते हैं। जितना चलकर आया था उतना चलकर जाना भी है। तो अभी हालत का मतलब जो भी है, क्या बताऊँ, पूरा हालत खस्ता होने वाला है। और रात में कहीं पे होल्ड लेंगे, अभी तो शाम का टाइम है। बट इस वाले साइड में भी मतलब पूरा गोल पहाड़ के बीच में आप अगर नीचे में आओगे ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, ठंडा पानी भी ठंडा। ऊपर वाली साइड में बहुत ही हैवी है। हम लोग के पास लाइट भी है, टॉर्च वॉर्च का सुविधा लेकर आए थे। अब तक का बिहार का सबसे मतलब काफ़ी एडवेंचर भरा ट्रिप। तो आप सबको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। लास्ट दर्शन, अब देखिए कितना ज़्यादा पसीना। अभी जाकर थोड़ा बहुत सुकून मिला और चलते हैं अभी मार्केट, थोड़ा बहुत एंजॉय कराते हैं। यहाँ पे क्या क्या, थोड़ी बहुत मार्केट है पहाड़ों में, और क्या हो सकता है।